सो फाइनली दोस्तों, यामा ने अपनी R15 का नया 2024 मॉडल को कार्बन फाइबर एडिशन के साथ लॉन्च कर रही है, जिसमें दोस्तों कंपनी ने जो है कुछ यहाँ पे चेंजेस किए हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो पे मैं आप लोग को डिटेल से जानकारी दूंगा। तो चलिए अब हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि बाइक का जो लुक है ये तो दोस्तों आप लोग को एग्जैक्टली पहले की तरह सिमिलर देखने को मिलेगा, लेकिन दोस्तों अब आप लोग को इस पर जो है नए ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे, जिसमें कि दोस्तों आप लोग को कार्बन फाइबर जो यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे आप लोग को थोड़े बहुत जो है आप लोग को ग्राफिक्स में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप लोग बताइए कि आप लोग को ये नया जो कलर है, जो नया आप लोग को ग्राफिक्स है, ये आप लोग को कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आप लोग को बता दूँ कि इस बाइक पर जो है पहले आप लोग को जैसे फीचर्स और इंजन वगैरह मिलते थे, वो सभी चीज़ें आप लोग को एग्जैक्टली पहले तरह देखने को मिल रही है। फीचर्स और इंजन में यहाँ पर कोई भी चेंजेस या फिर अपडेट नहीं किया गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं आप लोग को प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो अब दोस्तों इस बाइक की जो एक्सोरूम प्राइस है ये लगभग दोस्तों 2,08,300 रुपए के आसपास में जो है इस बाइक की एक्सोरूम प्राइसिंग रखी गई है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है इस बाइक पे मेनली आप लोग को एक कार्बन फाइबर का मतलब कि एक नया ग्राफिक्स देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सभी चीजें आप लोग को एग्जैक्टली पहले प्राइस सिमिलर देखने को मिलती है। तो आप लोग बताइए दोस्तों कि आप लोग को ये नया कलर कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। और इस वीडियो को भी दोस्तों अब हम लोग फिलहाल एंड करते हैं। तो आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है ये आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड ऑल्सो राइड सेफ।